नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, लगातार दो दिन में 5 हत्याएं की गई हैं। सिलेक्टिव किलिंग है, ये चिंता का विषय है। और हम बात करते हैं जब, तो लोगों का ये मानना है कि 89-90 जैसे हालात बनते जा रहे हैं। अगर हम दूसरी ओर ये बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार ये कहते हैं कि जब से, यानी 5 अगस्त 2019 के बाद 370 में संशोधन होता है, 35 से को हटाया जाता है, उसके बाद से हालात निरंतर ठीक हुए हैं। इनका यह भी दावा है भारतीय जनता पार्टी का कि कहीं ना कहीं आतंकवाद में भी गिरावट आई है। लेकिन जो लगातार इस तरह की वारदातें हो रही हैं, इस बात का सबूत देती है, तस्दीक करती है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद बढ़ा है और लोकल ज्वाइनिंग का भी संकेत मिल रहा है। लेकिन आज जो सतिंदर कौर प्रिंसिपल है और दीपक चंद जो टीचर है, जिनकी किलिंग हुई शिक्षा के मंदिर में आकर के उनको मारा गया, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। उन परिवारों पर दुखों का कहर बरपा हुआ है। पहले हम उन परिवारों से आपको मिलाते हैं, क्या उन परिवार के सदस्यों का क्या कहना है और क्या हालत है उनकी। चार बंदे देख रहे सर, कश्मीर जी मेरा हस्बैंड कश्मीर वाले मारे, उन्हें पुत्र मेरा मार छड़िया, की करिए सन तो हूँ रोना भी भुल गए। हर बजे मिनट बाद प्राप्तियां साढ़िया सामभ लिया, हूँ सानू मारना शुरू हो गए, की करना इन्हों अग लानी है सब प्रॉपर्टी से कश्मीर साढ़ा छे जी बच्ची बच्ची इतने साल की बच्ची है अभी इतने साल की बच्ची है। मैसेज करेंगे फिर हमें डराएंगे, तो उस चीज को प्रमोट कर रहे थे। हम नहीं डरते। अब कुछ मेरे रिलेटिव हैं जो गुस्से में कुछ भी बोल रहे हैं, पर उन्हें एक तरीका नहीं है। हमारा सिर्फ कहने का यही मतलब है, हम नहीं डरते। सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, दहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है, उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे, जो कर चुकी है। और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहाँ का लोकल एथॉस और वैल्यूज़ है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। रवायत है उसको धक्का लगाने के लिए, उसको खेत पहुँचाने के लिए, ये एक साजिश है। मारने के दृश्य थे, लेकिन आपको बताते चले कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये मान के चलना पड़ेगा कि जब आप बार बार, चाहे यूपीए सरकार हो, एनडीए सरकार हो, जब ये दावे किए जाते हैं कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी और ये कहा जाता है कि जल्द ही होगी, तब तब इस तरह के मामले सामने आते हैं। लेकिन आपको बताते चले, सियासी रिएक्शन भी हमने देखा। फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल से उन्होंने भी निंदा की है, और साथ ही साथ रविंद्र शर्मा जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी इस पूरी घटना की निंदा की है। ये पाकिस्तानी टेररिस्ट की कायराना हरकत है और उसकी डेस्परेशन बताती है पाकिस्तान की। जिस तरीके से हम देखते हैं कि एमएल बिंद्रू को मार दिया गया, जब एक डार को मारा, एक गोलगप्पे को, बेचारा वो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आया था, उसको मार दिया गया। ये कायरों की भांति जो पाकिस्तानी टेररिस्ट काम कर रहे हैं, जो अपने आप को बड़े शूरवीर कहते हैं, बहादुर कहते हैं, ये उनकी जो है सबसे बड़ी कायराना हरकत है और छोटी हरकत है ये, तो इसकी बरसना पूरा देश कर रहा है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कभी भी जो है सफल नहीं होने वाला। पाकिस्तान जिसको आज अफगानिस्तान में भी उसको मुँह की खानी पड़ रही है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है, आज चाइना तक उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है अफगानिस्तान के मसले में। वो जब फेल हुआ है, पॉलिटिकली आइसोलेट हुआ है, तो डेस्परेशन उसको जो है, वो डेस्परेट होके उसने ये हरकतें कर रहे हैं जो कभी भी वो कामयाब नहीं होंगे। सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है, ये बहुत ही गंभीर चिंता की बात है और हमें, हम सख्त शब्दों में इसकी कंडेमनेशन करते हैं। शब्द नहीं है कि इस किस्म के कायराना जो हमले हैं उनकी निंदा करने के लिए। सख्त शब्दों में हम वो तमाम फोर्सेज
जो इस किस्म की वारदातें जो है अंजाम ला रहे हैं, वो आतंकवादी, उनके आका, चाहे वो यहाँ देश के अंदर बैठे हों, बाहर बैठे हों, पाकिस्तान हो, उन तमाम की सख्त कंडेमनेशन करते हैं। लेकिन साथ साथ केंद्र सरकार क्या खामोश बैठी है कि अब यूटी है, कहे गृह मंत्रालय के अंदर जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर आता है, एक दहशत का माहौल फैलाने का मंशा है। तो दर्शकों, अब हम चर्चा शुरू करेंगे। यंग पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ा संवेदनशील इशू है। चर्चा शुरू करने से पहले हमारी सारी संवेदनाएं उस परिवार, दोनों परिवारों के साथ जुड़ी हुई हैं, और हम ये चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले और जो इसमें मुलविस है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए, जैसे पुलिस ने कहा है कि उनको जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। मेरे एक्सट्रीम राइट में सुरेंद्र सिंह बंटी हैं, एडवोकेट है पेशे से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं। बंटी जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर राशिद चौधरी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं और ये भी स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। ठाकुर अभिजीत जसरोटिया भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। शुरुआत इन्हीं से करते हैं। अभिजीत जी, आप ये दावे करते हैं, टाल क्लेम करते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद बड़ा बदलाव आया है, आतंकवाद पर हमने चोट की है, आतंकवाद पर अंकुश लगाया है, कभी ऑल आउट ऑपरेशन का जिक्र करते हैं, लेकिन ये हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। देखिए विनोद जी, ऐसा है कि जहां तक, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा इन सबको जिनकी ये निर्मम हत्या कर दी गई कश्मीर में। उन परिवारों के साथ हमारी संवेदना तो है ही है, उनके साथ हम खड़े हैं। लेकिन जो सवाल आपने पूछा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के उस ऐतिहासिक दिन के बाद जिस तरह से यहाँ पर सिचुएशन इम्प्रूव हो रही थी, मैं खुद पिछले एक महीने से कश्मीर में था, शायद ही कोई ऐसा डीप इंटीरियर का इलाका था जहाँ पर मैं खुद ना गया हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप्स चल रहे हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट चल रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि जो हमारा पड़ोसी है, ये कोई कोई जिसे आप कह सकते हैं कि कोई शांति पसंद पड़ोसी नहीं है, ये एक ऐसा पड़ोसी है कि जिसको हमेशा ये कश्मीर को लेकर अपना पूरी दुनिया में लापता रहता है, और यहाँ पर नए नए हथकंडे अपनाकर नए नए फार्मूलों से वो जो दहशत किस तरह से यहाँ पर फैला सकें, इसके अंदर वो नई नई स्कीमें लेकर आता है। खैर, इनका वक्तन फवक्तन इलाज किया जाता है। आज जो कुछ भी हुआ है, ये एक निंदक घटना तो है ही है, लेकिन एक चीज़ जो देखना पड़ेगी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वहाँ का पड़ोसी जो हमारा जो ऐसे काम कर रहा है, उसको तो हम उसकी निंदा भी कर सकते हैं, उसके साथ हम लेकिन अभिजीत जी, पड़ोसी नया नहीं है, और आप ही नहीं कहा कि आप ही के बड़े नेता ने कहा है कि दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। नया पड़ोसी नहीं, उसके बावजूद भी आप ऐसे टाल क्लेम क्यों करते रहे हैं? कभी सीने के इंच दिखाते हैं, कभी फिर आपके ऊपर पड़ोसी चढ़ जाता है। देखिए, बात पड़ोसी की चिंता कम, जो यहाँ पर बैठी हुई काली भेड़े हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं जो उनका साथ देते हैं, कुछ ऐसी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आज भी तालिबानियों की बात करती हैं, मुश्किल तो इन लोगों से है। जो आज भी आप देख लीजिए, अगर आप इनके नेताओं को देखेंगे तो सबने घड़ियाली आंसू ही बहाए हैं, किसी कोई ऐसा नहीं है जो आकर पाकिस्तान को नाम से बता सके कि इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया है। ये सब लोग जो यहाँ पर काली भेड़े बैठी, इनके कारण ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी रही बात हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की, वो तो यहाँ पर लड़ी रही है इनके साथ, लेकिन वक्तन फवक्तन जो अपनी स्ट्रेटजीज ये बदल देते हैं, अब जिस तरह की स्ट्रेटजी इन्होंने बदली है, जो पॉइंट ब्लैंक पे आकर ये काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक इनह्यूमन तो है ही है, इन लोगों को किसी का दुख दर्द तो होगा नहीं, लेकिन हमें दिक्कत यह है कि इसके साथ सभी लोगों को, सभी पार्टियों को हमारे साथ आके खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज आप देख लीजिएगा, ये पार्टियां जब आप देखेंगे हमारी, जैसे ही डिबेट आगे बढ़ती है, ये आ जाकर फिर सारा ठीकरा हमारे सिर पे फोड़ेंगे। लेकिन कभी इनके मुंह से कभी निकला आज तक, इनके नेता तालिबानियों की बात करते हैं, तालिबानियों की सपोर्ट की बात करते हैं, ऐसी तो माइंडसेट हमारे को इस तरह की अपोजिशन यहाँ पर मिली हुई है। ये एक ऐसी मुसीबत है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए है। इस समय हिंदुस्तान में हर एक इंसान उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। बंटी जी, आपको नहीं लगता है कि ये प्रयोग पर प्रयोग किए जा रहे हैं? ये जिस तरीके से आप ऑर्डर निकालते हो, डीसी को बोलते हो कि आप बोलो कि हमने इतनी कश्मीरी विस्थापित पंडितों की जमीन खाली करवा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। देखिए विनोद जी, पहली बात तो ये है कि बड़ा बड़ा ही दुखदाई और बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट है कि जो पिछले 5-7 दिन से आपने देखा कि जिस तरीके से सेलेक्टिव किलिंग्स का एक सिलसिला जो शुरू हुआ है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और तमाम वो परिवार जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं। लेकिन अब इस पर राजनीति ना करते हुए, अगर हम एक आम आदमी की दृष्टि से, एक आम नागरिक की दृष्टि से देखें और एक जागरूक नागरिक की दृष्टि से देखें, तो सरकार में जो लोग हैं, जिस तरीके से वो ढोल पीटते हैं, अपनी
सरकार का गुणगान करते हैं और पूरी की पूरी सरकार जो है ये संवेदनहीन सरकार है और ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह ऑपरेट कर रही है। जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑपरेट करती है, आज ये दिन आज वो दिन, मीडिया एडवर्टीजमेंट, संजीदगी से कोई काम अगर आप कहें तो संजीदगी से काम अगर हो रहा होता तो 5 अगस्त 2019 के बाद जो पूरा सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ जब 370 को हटाया गया, तोड़ा गया गैर कानूनी तरीके से, 35A को हटाया गया और एक पूरे देश के अंदर एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई, देखिए जी जम्मू कश्मीर को हमने हिंदुस्तान से जोड़ दिया, एक ये संदेश देने की कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर जो था वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, 370 टूटने के बाद एक हिस्सा बन गया और उसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर, मैं कश्मीर की बात बाद में करूंगा, जम्मू के अंदर जिस तरीके से एलिनेशन की फीलिंग जो आ गई है 370 टूटने के बाद, जो हालात बने हैं, जिस तरीके से सेलेक्टिव लोगों को यहाँ लाया गया है, माइनिंग माफिया यहाँ पर, लीकर माफिया यहाँ पर, टोल प्लाजा का माफिया यहाँ पर और अब जाके ये जो नया सिलसिला रिलायंस के स्टोर यहाँ पर खुल रहे हैं, तो एक सरकार, ये जो है सरकार, वो कहते थे मैं भी चौकीदार हूँ, ये सरकार चौकीदार जनता की नहीं है जी। ये उन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस जो इनके दोस्त हैं, जो इनके फाइनेंसर हैं, जो इनके स्पॉन्सर हैं इलेक्शंस के, जो जिनके बड़े बड़े जहाजों में इनके नेता घूमते हैं, ये उनके चौकीदार बन के रह गए हैं। संजीदगी अगर होती तो आज ये हालात ना होते। जहां तक रही इन्होंने कहा ब्लैक शिप्स की बात जी, तो इनसे जरा पूछे कोई कि 2 या 4 साल पहले वो ब्लैक शिप्स के साथ ये सरकार में क्यों बैठे थे, आज उनके सब्ज रुमाल इनको तब दिखाई नहीं देते थे, आज सब्ज रुमाल तो पहले भी हिलाती थी तब नहीं आपको दिखाई दिया, जब बुरहान वानी का खत हुआ उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलिमिनेट किया तब इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये नहीं चाहिए था। किसने कह दिया कि हमने उसको कहा ब्लैक शिप तो सभी के सभी हैं, उसमें आप पर्टिकुलरली एक पार्टी, चलिए आप हमें भी कहते हैं, आप हमें भी कहते हैं, आप हमें कहते हैं, चलिए मान लेते हैं आप हमें भी कहते हैं, जब आपने हमारी तालिबान की बात करने वाली पार्टी के आप ब्लैक शिप्स में नहीं आते साहब, आप हिम्मत रखिए ना, अब उसे रखिए सुनने का, आप बोले मैं बीच में टोकन नहीं, अब सुन लीजिए आप मेरे बयानों को गलत बोलेंगे, मैं तो सभी को कह रहा हूं, बारी आई जो तालिबान की बात करेगा वो ब्लैक शिप है। जी 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 बंडी बोलिए, मैं ये कह रहा था आप अगर हमें भी ब्लैक शिप कहेंगे तो आपको वो भी टाइम था जब आप एनडीए में, आपने हमारी सपोर्ट भी ली थी, हम भी एनडीए का पार्ट थे, लेकिन वो बात अलग है कि वो वाजपेयी साहब की शख्सियत थी जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए का पार्ट थी, आज वाजपेयी साहब नहीं है, आज देश के हालात आपके सामने जी। तो कुल मिलाकर के ये जो सिलसिला सिलेक्टिव किलिंग्स का शुरू हुआ है, जैसा आपने पूछा मैं उसका जवाब दूं, ये उकसावे की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जिस तरीके से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, मैंने कहा वो मैंने इसलिए कहा कि अगर आप कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी वापस देना चाहते हैं तो उसके लिए आप करें ना काम, आप ढोल क्यों पीटते हैं, आप ढोल पीट के उनको उकसाते हैं उन एलिमेंट्स को कि वो निर्दोष लोगों को जिनके हाथ में एक चाकू भी नहीं उनको वो मारें। कल एक मेडिकल प्रोफेशन के बंदे की किलिंग हुई दिन दहाड़े, जिसने मिलिटेंसी के बुरे से बुरे दौर में भी कश्मीर को नहीं छोड़ा और लोगों की सेवा करता रहा, आपने उकसावे में उसकी जान, उसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज एक टीचर को जो वहां पर एजुकेशन दे रहे हैं लोग, जो बच्चों मैं आपकी परेशानी को समझ रहा हूँ, आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते ना, थोड़ा सा रखे ना पेशेंस। अगर इस तरीके से सिलेक्टिव किलिंग्स होंगी, जो लोग वहाँ शिक्षा दे रहे हैं, जो लोग वहाँ पर लोगों को उपचार में मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए, उन लोगों का क्या कसूर? डॉक्टर आप तो जानना चाहेंगे कि वाकई में सरकार संवेदनहीन है। देखिए पहले तो जो लोग बेगुनाह जिनकी हत्या हो गई है जी, पूरा देश उनके साथ है, उनके परिवारों के साथ है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मेरी पार्टी भी। और दूसरी बात यह है कि इस पर कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल स्टांसेस होने चाहिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसकी सेंसिटिविटी जो है वो हमारा तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका समझना फ़र्ज बनता ही है, पर कहीं ना कहीं इसमें जो कटहरे में जिनको क्वेश्चन पूरे पूछे जाने चाहिए पूछे जा सकते हैं और किसी सरकार को चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, बैठ के इस पे गौर करना चाहिए, वो सरकार है, सरकार में जो लोग हैं और उस सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जब तक वो बात सुनेंगे नहीं, जब तक वो बात सुनने की कैपेसिटी नहीं रहेंगे और हर चीज़ को रिमूव बैक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा बेहतरी आने वाली है। आप ये जब कश्मीर का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला इस वक्त हो रहा है, जो वायलेंस बढ़ रहा है, आप यूपी के हालात देखिए, कहीं तो खुद ही गाड़ियां चढ़ जाती हैं, कहीं किस तरह से लोगों को निहत्ते लोगों को, जैसे बंटी जी ने कहा वो मेडिकल प्रोफेशनल जो के पीक वर्स्ट डेज ऑफ द मिलिटेंसी जिनको कहा जाता है 90s, उसमें भी वो जरूरत नहीं पड़ी उसको कहीं जाने की या किसी ने हिम्मत नहीं की उस पर बंदूक चलाने की, तो कल वो शहीद हो गए। तो इस तरह से जो हालात कश्मीर के बने हैं, जो क्लेम्स हैं सरकार के वो एक तरफ हैं, वो खोखले हैं और जो ग्राउंड सिचुएशन है, भले ही वो बॉर्डर की हो, इनकाउंटर्स की हो, किलिंग्स की हो, मिलिटेंट रिक्रूटमेंट की हो या और कश्मीर पॉलिसी की हो,
वो एक बड़ा सवाल है, और वो सवाल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के लिए जरूरी नहीं, वो इनसे आगे बढ़ करके देश के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है। और उसमें मुझे लगता है कि कहीं किसी लेवल पे बहुत बड़ी कमी रह रही है कि इस तरह के हालात बन रहे हैं। वरना अभी बीजेपी को शायद हम कहते आज से 3 साल पहले, यार उनको कम टाइम मिला, कुछ ऐसे नहीं हुआ, और वक्त मिलना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। जी, आप क्या 7 साल बहुत होते हैं एक सिचुएशन को चेंज करने के। जो डिस्क्राइब किया बंटी जी ने, जिस तरीके से कहा कि ये इवेंट मैनेजमेंट है, संवेदनहीन सरकार नहीं है, और जो आरोप लगाए। देखिए विनोद जी, ऐसा है कि मैं अब, क्योंकि दोनों ने बात की है, मुझे भी जरा 2 मिनट ये पेशेंस से सुन ले तो काफी अच्छा होगा। सबसे पहली बात कि इनका कहना इवेंट मैनेजमेंट है क्या नहीं है, इन्होंने कहां से मैनेजमेंट शुरू की थी सबको बड़े भले से पता है। सन 87 के पहले का दौर इनको बड़े अच्छे से पता है, 87 में रिगिंग किसने की वो भी इनको पता है, कब जीते, सबसे पहले बात यहाँ पर आती है कि इन्होंने ये बात कर डाली। मैंने बताया कि मूल कारण किसने शुरू किया ये पता होना चाहिए, क्यों यहाँ से क्या वो पता होना चाहिए। अब दूसरी बात हम लेकर आते हैं, आज जब कश्मीरी पंडित वापस आ रहे हैं या कश्मीरी पंडितों के लिए वहां पर एक नई चीज हो रही है, किसको प्रॉब्लम हो रही है ये भी हमें पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जिन्होंने अभी यहां पर बड़ी बात कर डाली कि हम बड़े संवेदनशील हैं हर एक चीज को लेकर, हमें बड़ा दुख हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं उनके, राहुल गांधी जी ने अभी पिछले दिनों जब दौरा किया, उन्होंने आके सबसे पहले ऑन द फ्लोर उन्होंने हाउस रादर उन्होंने अपनी एक स्पीच अंदर कहा कि मैं कश्मीरी पंडित हूं। ठीक है जी, वो तो खैर खुद कंफ्यूज, उनको बेचारों को भी ये नहीं पता वो पंडित हैं या क्या हैं, वो तो जानते नहीं कि, फिर भी उनको जैसा बताया गया उन्होंने यहां पर बयान दिया। आज 2 दिन हो गए, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी ने क्या बयान दिया इसके ऊपर, क्या उन्होंने कोई बताया कि इसको कंडेम किया उन्होंने, बताएं। आपसे पूछा, आपने बिल्कुल क्लियर नहीं बताया कि आप टाल क्लेम करते हो 5 अगस्त 2019 के बाद स्थितियां बड़ी सामान्य हो चुकी हैं, बड़ी जगह दावे करते हो, दूसरी स्टेटों में कश्मीर का प्रयोग करते हो, लेकिन स्थितियां जो फेस कर रहे हैं उस परिवार पर आज क्या कहर टूटा हुआ, आप देख रहे हैं उसकी वाइफ किस तरीके से कह रही है। मैं यही बात तो आपसे कहना चाहता हूँ कि देखें, एक ये जो सबका सब पहले मूल कारण आपको ये जानना पड़ेगा इसका कि कहां से प्रॉब्लम शुरू हुई, उसके बाद सियासत कौन कर रहा है इस पे, क्या ये लोग क्यों नहीं खड़े होते आज हमारे साथ हर एक चीज के ऊपर, इनको भी इस चीज को कंडेम करना चाहिए, हमारे साथ खड़ा कौन खड़ा नहीं, आज ये क्यों कर रहे हैं, पूरा देश कंडेम कर रहा है। ट्वीट नहीं आया अगर थोड़ा देर पहले उन्होंने इसको, आपको पूरा देश कंडेम खबर मिली सुनी, मैं उनको सुनाता हूं, थोड़ी देर पहले उन्होंने बयान क्या दिए इसको, उन्होंने 370 का इसको उन्होंने राग लापना शुरू कर दिया, यहाँ पर किसी की जान चली गई और राहुल गांधी जी अब 370 का राग लाप रहे हैं। दो दिनों से उनको याद ही आई कि किसी कश्मीरी पंडित की वहां पर हत्या हुई है, जो खुद को पंडित बता रहे थे यहाँ पर आके, तो ऐसी पार्टी से आप क्या, उसको ऐसी पार्टी से आप क्या तवक्को रखेंगे। जानना चाहूंगा कि वाकई में जो लोग कह रहे हैं कि 1989 जैसी स्थितियां बन रही हैं, उस दौरान भी शुरुआती दौर में ऐसे ही सिलेक्टिव किलिंग होती रही है, क्या सच्चाई है वाकई में, उस दिशा में हम जा रहे हैं। विनोद जी, मैं अपने दोनों साथियों से ये कहूंगा कि पूरी जनता आपको देख रही है, आप अपनी दोनों अपनी बात बारी बारी से रखें, तभी लोग भी, नहीं तो लोग चैनल चेंज करते, कोई नहीं सुनता, इतनी हीटेड आर्गुमेंट कोई सुनता नहीं है, लोग आप पहले ही बड़े परेशान हैं। देखिए आपने कहा परेशानी भी आप ही की डाली हुई है इसी चैनल से, आप तो हमेशा बैगेज दूसरों पे रखेंगे, 7 साल से आप सरकार में, आपके अभी तो अभी पुरानी बात छोड़े, अभी आपके आप बोल लीजिए, मैं बोलूं सब तालिबान को बोलने दीजिए, ये तो हरकत है, ये बंटी जी वाली हरकत है, उसकी तो फारूक साहब सपोर्ट करते हैं। बंटी जी चलिए पहले क्लियर, चलिए बंटी जी आप हिंदुस्तान के साथ हैं या तालिबान के साथ, क्लियर कीजिए बात, लोग चैनल चेंज करके लोगों को डिसाइड करने दीजिए, आप क्यों बढ़ रहे हैं, फिर डिलेल हो जाएगा, अभी हो गया आपको नहीं, अगर इनका हो गया हमारा तो तब तक नहीं होगा जब तक शांति नहीं, जब मैं बोलूंगा इनकी चाबी ऑन हो जाएगी, इनको सुन नहीं सकते, जब तक कश्मीर पे शांति तब तक चलिए बंडी 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 चलिए, हमें अपने चुप रहना पड़ेगा, बंडी जी प्लीज बंडी चलिए,
अब जी जी अगर फिर मैं शुरू हो जाऊंगा ना पर्सनलाइज करने तो फिर आप भागेंगे यहाँ से, फिर आप ऑफ कैमरा में आप बहुत कुछ कहेंगे। नहीं, पर्सनलाइज आप करते नहीं बंटी जी। देखिए मैं पर्सनल छोटा कश्यप पे भी विश्वास नहीं करता। देखिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता, आप इनको पूछिए कि आपकी 7 साल में क्या परफॉर्मेंस है, ये आपको पीछे ले जाएंगे, बैकफ्लैश में ले जाएंगे। 47 में हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कबायली आए, फिर वो 1947 में नेहरू जी यूएन में चले गए। भाई 7 साल से आपके पास सब कुछ है, आपने 370 तोड़ दिया, आपने बड़ी बड़ी बातें की। सच्चाई ये है आपने जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी बना दिया पूरे हिंदुस्तान के लिए, ये लेबोरेटरी है आपकी। आप 100 कार्ड जो आपका है ना, ये कट्टरवाद, इसको यही आप कट्टरवाद आप करते हैं। कट्टरवाद तालिबान की बात कौन करता, क्या बात कर रहे हैं आप? कम से कम तालिबान की बात आपके फारूक साहब ने बात नहीं की। क्या कहा फारूक साहब ने? तालिबान की बात की उन्होंने। अरे सुनिए ना, तालिबान की बात की। अगर उन्होंने बतौर नेता ये कहा कि मैं तालिबान से उम्मीद करूंगा, क्यों उम्मीद करूंगा तालिबान से? बताया आप नवाज शरीफ के साथ तो तालिबान से नहीं कर सकते। जो मुद्दा है आपके छोड़े आप जिन ये तालिबान की बात, तालिबान की बात, तालिबान की बात। मैं ये कह रहा था जैसे बोलिए। देखिए सर, ये नए नए पार्टी में आए हैं, 6-6 महीने बाद पार्टियां चेंज करते हैं, इनका जो वो है ना पार्टी के प्रति मोर लॉयल देन द किंग, ये उसको उस चीज का 4 साल हो गया। अरे छोड़िए छोड़िए साहब, आप दूसरे की बात आपको डिबेट के रूल्स नहीं पता, आपको पता है डिबेट कैसे होती है? आप लोग सिर्फ लड़ाई करना चाहते हैं, क्या बात करें? अभिजीत जी प्लीज, जब भी कोई दूसरा बोलता बीच में टांगड़ा देते हैं आप, बोलते हैं देखिए फिर वही बात, आप अपनी बारी पे बोलिए ना, आप वो टोकता है आप बोले छोटी साहब, आप अभिजीत जी बंटी जी की बंटी बंटी आप अभिजीत जी आप बोले ठीक से नहीं पता। चलिए चलिए बंटी बंटी बोलिए, 89 जैसे हालात बने हुए हैं। देखिए सर बात यह है, ये सच है कि कश्मीर में जब मिलिटेंसी का आगाज हुआ तब सिलेक्टिव किलिंग का यह दौर तब स्टार्ट हुआ था जी। ये सारा इशू जब स्टार्ट हुआ 89 में स्टार्ट हुआ, जब टिकल लालटपलू वगैरह और दूसरे तीसरे कश्मीरी नेताओं को जब सिलेक्टिव किलिंग्स हुई। आज ये बड़े बड़े टॉल क्लेम्स चाहे करें, कल नकवी साहब कह रहे थे नेशनल मीडिया पे, वो जी कश्मीर में अब चुनिंदा मिलिटेंट रह गए हैं, गिने चुने रह गए हैं, अब कश्मीर मिलिटेंसी जो है वो खत्म है, ऑलमोस्ट लास्ट सांसें गिन रही है वो। ये एक तरीके के उकसावे की राजनीति करते हैं, ये जानबूझ के उन लोगों को उकसाते हैं कि वो लोगों को क्या जरूरत थी आपको नोटिफिकेशन लाने की, जब एक रूल बन गया कि कश्मीरी पंडित अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। जिन लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी इसमें बेची है वो कानूनी तरीके से उन्होंने बेची है। इफ दे डोंट वांट टू गो बैक, आप क्यों ऐसा उकसावे की? अगर आप में वाकई इस बात की सख्त है, आपके अंदर काबिलियत है उनको वापस भेजने की, तो ऐसा माहौल बनाए ना पहले वो सिक्योर तो हो सके। आपने नोटिफिकेशन निकाली, निर्दोषों की जान ले ली उन्होंने जी। क्या जवाब है आपके पास उनके? अब सुन लीजिए पूरी बात, अपनी बारी में बोलिएगा, क्या जवाब है आपके पास उन लोगों के लिए जिनके परिवार के लोग निर्दोष मारे गए? आप उकसावे की राजनीति क्यों करते हैं? अब यूपी में इलेक्शन है, आप यहां इसको वहां कैश करेंगे? वहां आप किसानों को मार रहे हैं गाड़ियों के नीचे, आपके मंत्री का बेटा कर, और आपका मंत्री गृह राज्य मंत्री देश का कहता है आप मुझे जानते नहीं है, मैं मंत्री एमएलए बनने से पहले क्या था? मतलब आप अपनी असलियत लोगों को दिखा रहे हैं कि आप हैं, कि आप किस माइंडसेट के लोग हैं जी। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है सर, इस स्टेट का सेकुलर फैब्रिक जो है वो छिन्न भिन्न करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और ये जानबूझकर होता है। इसकी टाइमिंग देखिए आप, जब ये सब होता है ये उकसावा करवाया जाता है लोगों से, फिर कहा जाता है नहीं जी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो गया, अब इलेक्शन यूपी में है, इनको खिसकती हुई जमीन दिख रही है, उकसावे की राजनीति आप यहां कर रहे हैं, आप नोटिफिकेशन इस तरह की निकालते हैं ताकि निर्दोष लोग मारे जाए। डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें क्या करना चाहिए, क्या करने की जरूरत है सरकार को, सुरक्षा एजेंसी को,
मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसीज को तो खैर मैं एडवाइस नहीं कर सकता, वो अपना काम बाखूबी कर रही हैं और करेगी भी, हमें पूरी अपेक्षा है उनके साथ हमें हमेशा से। बट सरकार को सबसे बड़ा जो काम करना चाहिए मुझे लगता है वो आप ढोल कम बजाने चाहिए और काम ज्यादा करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो बड्डी जी ने बात की है ये टाइमिंग देखिए, और इसका जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स जो कश्मीर के साथ किए जाते हैं उनका रिजल्ट बाकी जो देश है उसके विभिन्न हिस्सों में जो है वो रीप किया जाता है, वो सरकार को बंद करना पड़ेगा। ये देश का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, लोगों का मुद्दा है, जम्मू कश्मीर के लोगों का मुद्दा है। अभी यूपी इलेक्शन में सच बात में जमीन खिसक रही है और यूपी इलेक्शन के साथ इसका कोई ना कोई रिलेशन जो है वो सामने कल से परसों से एस्टेब्लिश जो डिस्कशन जो मीडिया पूरी एक तरफ डिस्कशन में आ गई, सब कुछ हाईजैक हो गया, एक तरफ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्वेश्चन उठते हैं और सामने की बात होती है। तभी सारे इंसिडेंट क्यों होते हैं जब भी किसी प्रांत में प्रदेश में इलेक्शन होता है तो क्यों होता है? सरकार को इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आपका भी शीर्ष नेतृत्व यूपी में ही बैठा हुआ है, कैंपिंग किए हुए, उनको भी कश्मीर के इन परिवारों की कोई चिंता नहीं है, ना ही कोई बड़ी स्टेटमेंट आई है, और भी 370 के साथ इसको जोड़ा जा रहा है जैसे अभिजीत जी ने कहा। देखिए उसमें अगर हम स्टेटमेंट कुछ देते हैं इस तरह की, हम सरकार के साथ हैं, आर्म फोर्सेस के साथ हैं, कश्मीर के इशू पे जो भी सुरक्षा का मामला है उसमें हमेशा साथ है। अब उस पे दें तो भी तकलीफ, ना दें तो भी तकलीफ, जब दें तो कहेंगे कि हमारे साथ नहीं, हमारी निंदा कर रहे हैं, और जब हम कुछ कहते हैं तो कहते, जब हम कुछ कहते नहीं इनके साथ कहते हैं कि जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करें, सरकार के हम साथ हैं, सरकार भी अपना काम करे, सुरक्षा के मामले पे हम साथ हैं, तब इनको तकलीफ होती है। तो बात यह है कि हम, हमारे हाथ में इस वक्त कुछ नहीं, देश की जनता ने जो दिया है मैंडेट वो मोदी जी को दिया है, 56 इंच का सीना देख करके, लाल आंख पाकिस्तान को देख करके। और मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा कह रहा हूं, पिछले यूपीए 1 और 2 में 10 साल में मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसमें 4700 सीजफायर वायलेशन और इनकाउंटर्स और सब कुछ इंसिडेंट्स हुए टोटल मिलिटेंसी रिलेटेड, और मोदी जी के 7 साल में यही 7400 हुए। तो ये किसको दिखा रहे हैं? आए दिन इनकाउंटर्स होते हैं, आए दिन निर्दोषियों की हत्या होती है, हमारे फौजी जवान आज भी लड़के अपनी जाने उसी तरह से नछावर कर रहे हैं देश के लिए। तो बदलाव कहीं नहीं है, भाषण बहुत बड़ा है। पार्टी पर आरोप है कि आप कश्मीर को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका प्रयोग देश भर में करते हैं। चले, इसका मतलब ये हो गया सबसे पहली बात कि ये जो चीज़ें हुई हैं इसको ये लोग इस दृष्टि से देखते हैं, जैसे इन्होंने पुलवामा के समय बयान दिया था और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कटाक्ष किया था, उन्हीं के ऊपर शक किया था, यानी कि आज भी ये उसी माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। यहाँ से तो हमें समझ आता है कि किस तरह की राजनीति करते हैं। मैं पहली बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जरा जवाब दे दूँ, ये बातें कर रहे हैं आज लोगों की के लोगों को उकसाया जा रहा है, अरे अगर कश्मीरी पंडितों को घर वापस बुलाया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों के लिए अगर ये सब कुछ किया जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों मिर्ची लग रही है कि कश्मीरी पंडित क्या वापस ना आए? नेशनल कॉन्फ्रेंस आप पूरी बात सुन लीजिए पहले, अब आपको परेशानी हो रही है ना, उसके बाद हो रही है ना परेशानी, उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ये किस तरह से ये बात कर सकते हैं। आप जगमोहन जी की किताब उठा के पढ़ लीजिए, क्या उसमें उन्होंने नहीं लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला ने खुद कहा था अपने वर्कर्स को कि जाओ पाकिस्तान से हथियार उठा कर लाओ और यहाँ पर आके खून खराबा करो, तो ये वो उसकी जरा जवाब दे दे। आपकी बात इसके ऊपर, ये जो बात कर रहे हैं, ये जो है इनसे जरा पूछिए, इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात आज इतना संवेदनशील एक इशू है जिसके ऊपर तरफ से बयान आप पर भी उंगलियां उठेंगी, आपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर के केंद्र में सरकार भी चलाई। आप मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ऐसा है, सियासत के अंदर सबसे पहली बात, सियासत के अंदर सबको एक एक मौका दिया जाता, लेकिन जब उनकी असलियत जिस तरह से पीडीपी की बाहर आ गई वैसे इनकी भी असलियत बाहर आ चुकी है, इसलिए हमें पता है कि क्या इनका और क्या नहीं है। आप ये नहीं है कि आप किसी को बिल्कुल ही अलीन करते, कहीं ना कहीं एक मौका जरूर देना पड़ता है, लेकिन इनका असली चेहरा सामने आ चुका है कि इनके लिए सियासत ही सब कुछ है। आज पंडितों की हत्या कर दी गई, किसी के आंख में आंसू नहीं आ रहा, लेकिन यूपी इलेक्शन के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। देखिए कितना दुर्भाग्य इस देश का, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए, देखिए ये इसको भी राजनीति से जोड़ रहे हैं, इसको भी वोटों से जोड़ रहे हैं, बड़ा बहुत अफसोसनाक बात है इनकी। ये कैसी बातें करो, कितनी ओछी राजनीति, इनके राजनीति का स्तर कितना नीचे गिर चुका है, वहां पर परिवारों परिवार परिवार के परिवार उजड़ गए और इन्होंने इसको यूपी के इलेक्शन के साथ जोड़ दिया दोनों पार्टीज ने, क्योंकि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ही इनके लिए अभाव है। अभिजीत जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, डॉक्टर राशिद आप हमारे कार्यक्रम में आए, बंटी जी कुछ खासे नाराज हैं, आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।